अमित शाह जी डोगरा मुलाजिमों को कश्मीर से जम्मू लाओ, डोगरा मुलाजिमों की हिफाजत करो। आज मैं देश के प्रधानमंत्री जी को यह गुहार लगाता हूँ कि हमारे जितने डोगरा भाई 2007-09 से पहले कश्मीर में इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट पॉलिसी जम्मू लाया जाए। आपने आज एक एडवाइजरी होम मिनिस्टर की जारी की है और उसमें कहा है कि अब फिदायिन हमले होंगे, ग्रेनेड अटैक्स होंगे, स्टिकी बम्स होंगे, तो फिर इनको कौन बचाएगा वहाँ पे। और दूसरा, प्रधानमंत्री जी आप खुद हस्तक्षेप करें, आप इनकी मीटिंग लें, इन बच्चों को अपने कार्यालय दिल्ली में बुलाएं या जम्मू में एलजी साहब को दिशा निर्देश जारी करें कि वो इनको राजभवन में बुला करके इनकी बात सुने और इन्हें जम्मू में जल्द से जल्द ट्रांसफर करें। इसी बात को लेकर के मिशन स्टेटहुड आज इनके समर्थन में है और आगे भी जारी रखेंगे इनको समर्थन। और हमारी यही मांग है कि आप डोगरा मुलाजिमों को जम्मू में और इनकी हिफाजत करें और इन्हें हिफाजत जम्मू के तमाम एलजी साहब रजनी बाला की शहादत से सबक सीखो, रजनी बाला बहन की शहादत से सबक सीखो, प्रधानमंत्री जी डोगरा मुलाजिमों की मदद करो, प्रधानमंत्री जी डोगरा मुलाजिमों की मदद करो। एलजी साहब रजनी बाला की शहादत से सबक सीखो, रिक्रूटमेंट पॉलिसी के तहत काम कर रहे हैं, उन्हें जम्मू लाया जाए। आपने आज एक एडवाइजरी होम मिनिस्टर की जारी की है और उसमें कहा है कि अब फिदायिन हमले होंगे, ग्रेनेड अटैक्स होंगे, स्टिकी बम्स होंगे, तो फिर इनको कौन बचाएगा वहां पे। और दूसरा, प्रधानमंत्री जी आप खुद हस्तक्षेप करें, आप इनकी मीटिंग लें, इन बच्चों को अपने कार्यालय दिल्ली में बुलाएं या जम्मू में एलजी साहब को दिशा निर्देश जारी करें कि वो इनको राजभवन में बुला करके इनकी बात सुने और इन्हें जम्मू में जल्द से जल्द ट्रांसफर करें। इसी बात को लेकर के मिशन स्टेटहुड आज इनके समर्थन में है और आगे भी जारी रखेंगे।